हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे देश में लॉकडाउन और धारा 144 घोषित होने के पश्चात भी देवधर उपखंड मुख्यालय पर स्थित बैंकों के सामने काफी भीड़ नजर आई। बैंक के शुरू होने से पहले ही बैंकों के आगे लोग आना शुरू हो गए थे और बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर लोगों की काफी भीड़ नजर आई। लोगों द्वारा धारा 144 की पालना नहीं करते दिखे। लोग एक दूसरे के पास खड़े हुए दिखाई दिए। कस्बे में स्थित SBI, मारवाड़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदरा के बैंकों और ग्राहक सेवा केंद्र के आगे काफी भीड़ दिखाई दी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वहाँ पर भीड़ बढ़ना प्रारंभ हो रहा था। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया और लोगों को निश्चित दूरी पर खड़ा करते हुए दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी बैंकों के आगे पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया जिनके द्वारा भीड़ को व्यवस्थित कर लोगों को निश्चित दूरी पर खड़ा करने की हिदायत दी गई। SBI बैंक के ATM के सुरक्षा कर्मी द्वारा ATM में रुपए लेने आए लोगों को एक एक करके अंदर आने को कहते रहे और ATM के बाहर खड़े लोगों को सोशल दूरी के लिए 2-2 फुट की दूरी पर खड़ा रहकर लाइन बनाने को कहते नजर आए। वहीं कस्बे में मंडार रोड पर स्थित शांति भारत गैस के कार्यालय के आगे भी काफी भीड़ दिखाई दी। गैस के कार्मिकों द्वारा दुकान का शटर नीचे करके एक एक लोगों को अंदर आने दिया और बाहर खड़े लोगों को धारा 144 का पालन करते हुए सोशल दूरी बनाने को लेकर हिदायत दी। और रेवदर पुलिस के ASI वक्ताराम मीणा, घेवर चंद, मांगीलाल, हरजी राम, उदा राम, रघुनाथ, प्रभु राम, जूटा राम आदि पुलिस कर्मियों द्वारा रोड पर बेवजह घूमने वाले वाहनों पर सख्ती और बैंकों के आगे खड़े लोगों को निश्चित दूरी पर खड़ा करते हुए दिखे। सिरोही रेवदर से जागरूक TV की रिपोर्ट।